नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे आपको दी जाती है। आपको पता है हमारी 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट की सीरीज चली, जिसमें हम हर रोज़ 50 जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट उनको कवर करते हैं हर रोज़। और उसी कड़ी में आज फिर से जो है हाजिर हैं एक नेक्स्ट जो पार्ट है उसका लेके, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं 50, उनको जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो वीडियो में बने रहें साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक एक चीज़ जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातों को हम कवर कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट के रूप में ये आपको उपलब्ध करवाया जा रही है, सारी चीज़ें प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, आप जानते हैं ये भी। और हर रोज़ सुबह 9 बजे आपको ये लाइव क्लास मिल रही है बिना किसी रोक टोक के, और मैं भी अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ मेंटेन करने की। भाई एक वीडियो को आप यकीन नहीं मानोगे, तैयार करने में कम से कम 2-3 घंटे ख़राब होते हैं, और सुबह कई बार वीडियो जब एक दिन पहले नहीं बन पाता तो सुबह 5 बजे उठ के भी काम करना पड़ता है। जैसे आज का वीडियो, ये मैं ईमानदारी से बताऊँ तो सुबह 5 बजे उठा था, रात को मैं 12 बजे सोया था, और उसके बाद ये वीडियो तैयार हुआ है, और फिर वीडियो बनाया, फिर अपलोड किया, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। आप तक पहुंचने से पहले एक वीडियो को 3 से 4 घंटे देने पड़ते हैं, ठीक है, तब जाके एक वीडियो तैयार होता है। तो उसी कड़ी में हमारी जो है नेक्स्ट ये सीरीज जो है आगे बढ़ती हुई पहुँच गई है नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो कल हमने DSSB का ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया था, आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट मैं करता आया हूँ, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे इन फ्यूचर आपकी फिजिकल एजुकेशन की कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं होने दी जाएगी और ना ही होने दी जाती। आप जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट बहुत पुराने समय से भी हमसे जो है जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि हर अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा हमारी ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज चली हुई, तो एग्ज़ाम में अब मुश्किल से कितने दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, 10 दिन, तो ज़रूरी इस टाइम पे प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको ऑप्शन बता रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिजिकल एजुकेशन अडैप का लिंक है, या प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, वहाँ पे उसको डाउनलोड कीजिए, उसके मॉक टेस्ट सेक्शन में जाइए, मॉक टेस्ट सेक्शन में जाइए, और वहाँ पर आपको DSSB के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। भाई DSSB TGT के मॉक टेस्ट, ठीक है, उनको बाई कर लीजिए, जस्ट 230 रुपये में यार आपको मिल रहे हैं लगभग 1100 के आसपास क्वेश्चंस, और सारे एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है। आप यकीन नहीं मानोगे यार, मैं एक अनुभव बताऊं, मेरे एक साथी हैं, मैं उनका नाम भी वीडियो में ले सकता हूं, केथल से हैं तरसेम, और हम पढ़ते थे CRC यूनिवर्सिटी में, तो जैसे PGT का पेपर था ना, उसी दिन एक ऐप के ऊपर डाला गया था डेमो टेस्ट, डेमो जिसमें लगभग जो है ना अराउंड मैं बताऊँ लगभग 800 बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके हैं उस टेस्ट में डेमो के अंदर। तो उसने भाई तरसेम वो पेपर दे के आया, मेरे को आगे पता उसने क्या बोला सबसे पहले, यार ये पेपर तूने कब बनाया था? मखा मैंने तो आज ही बनाया था। बोला यार इसमें से PGT में ना 15 क्वेश्चन आए हुए थे। मखा ये कोई विचित्र बात नहीं यार, मैं रैंडम लैंग्वेज में कहूँ कोई बड़ी बात नहीं है, ये 100 में से 15 क्वेश्चन आ गए। तो इस प्रकार से मैं आपको एक अनुभव बता रहा हूँ कि उसी पेपर में से जो है ना 100 क्वेश्चन में से PGT के जो है ना 15 क्वेश्चन आए हुए थे, आप यकीन नहीं करोगे, उसने बताया मेरे को। और उसके बाद एक मैडम का भी फ़ोन आया कि सर ये पेपर आपने कब बनाया, इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे। तो यार ये अनुभव होते हैं सारी चीज़ें, तो जिन्होंने ऐप बनाई है उनको हम हेल्प करते हैं, मटेरियल देते हैं, बताते हैं कि क्या कहाँ से क्या क्वेश्चन डालना है, तो आप उनको भी कर लीजिए, शायद हो सकता है वहाँ से आपको उन्हीं क्वेश्चन में से 30 से 40 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए। हाँ ज़्यादा आपको चाहिए 60 से 70 क्वेश्चन आ जाएँ ऐसा कुछ चाहिए तो आप कोर्स भी बाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस बात के ऊपर ज़्यादा हम वो नहीं करते हैं, तो अब आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत सारों ने आंसर भी दे दिया होगा, ऑर्गन मोटर फिटनेस टेस्ट किस साल में बना था, ऑर्गन मोटर फिटनेस टेस्ट आपको बताना है किस साल में बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो साइकोलॉजी की क्लास उम्मीद है भाई आज शाम को आ जाएगी, मैं आज जैसे भी तैसे करके उस क्लास को पूरी कोशिश करूँगा तैयार करने की। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ऑर्गन जो मोटर फिटनेस टेस्ट है वो दरअसल कब बना था, ये आपको बताना है। अगर मैं इसका आपको राइट आंसर बताऊँ, हाँ एक इसका जो हम ये पार्ट स्टडी कर रहे हैं इसका
क्विज़ भी आपको मिल जाएगा ऐप के अंदर। आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए, क्विज सेक्शन में जाइए, DSSB क्विज सेक्शन के अंदर जाइए, वहाँ पे आपको नंबर दो सेक्शन इसी पार्ट से मिल जाएगा, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करें ऑर्गन फिटनेस टेस्ट दरअसल कब बना था, तो ऑर्गन फिटनेस टेस्ट की हम बात करें तो ये बना था भाई आपका 1962 में, 1962। एक बात और भाई, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं एक बात को बार बार क्यों रिपीट करता हूँ। आप अभी जो है फिजिकल से जुड़े हो, आप किसी हायर इंस्टीट्यूट में जाओगे ना, जैसे आकाश हो गया, वहां पे एक बात को चार बार रिपीट करते हैं टीचर। हाई जहाँ पे जेई नेट NIT मतलब इन एग्जाम्स की तैयारी होती है ना यार, जहाँ पे हाई वहाँ पे टीचर एक बात को पता नहीं कितनी बार रिपीट करते हैं। बहुत सारे बच्चे मजाक भी उड़ाते हैं, एक दो कहते हैं कि आप एक बात को चार बार क्यों बोल रहा है भाई। ये तरीका होता है यार अपना अपना, मैं एक बात को तीन बार बोलता हूँ उसका मेरे को बेनिफिट हो रहा है, वो बात मेरे को भी याद हो रही है। आप भी एक बात को तीन बार सुनोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं आपको कहूँ DSSB की तैयारी के लिए एक बुक को आप 10 बार क्यों पढ़ रहे हो, तो हंसने की बात नहीं इसमें। ठीक है, तो कब हुआ ऑर्गन मोटर फिटनेस टेस्ट का निर्माण, 1962 में। अभी तो मैं एक बात को सिर्फ बोल रहा था, तीन बार अब मैं लिखूंगा भी तीन बार। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद हु डिस्कवर्ड इंटरवल ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग की खोज किसने की भाई, इंटरवल ट्रेनिंग की खोज किसने की, ये आपको इस क्वेश्चन पेपर में जो है बताना है। इंटरवल ट्रेनिंग की खोज किसने की बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, राइट आंसर आप बता सकते हैं अगर आपको पता है तो, कि इंटरवल ट्रेनिंग की खोज दरअसल किसने की थी। एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है, क्या हो सकता है, एग्जाम में आपके आ सकता है, देख लीजिए आपको आता है तो। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की दरअसल खोज किसने की थी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, वल्देमार ग्रेस्लर, वल्देमार ग्रेस्लर, ग्रेस्लर। अच्छा एक बात और भाई, इसकी जब खोज की तो इनके साथ एक व्यक्ति और था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो थे डॉक्टर डॉक्टर हंस, डॉक्टर हंस रेनिडोल, RENDL, ये व्यक्ति भी इनके साथ थे भाई। ठीक है, इन दोनों ने मिलके जो किसकी खोज की थी, इंटरवल ट्रेनिंग की। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच रिसर्च इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस रादर दियर टेस्टिंग, कौन सा शोध परिकल्पना के विकास की बजाय उनके परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब जांचने के लिए किया जाता है कि हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी भाई, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इस चीज़ के लिए यूज की जाती है। एक बात और, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि TGT में रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स आएगी क्या, मैं बता दूं भाई 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट आएंगे, तो डायरेक्ट मतलब पूछ लेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मोड निकालने का फार्मूला, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कोरिलेशन के फार्मूले आ जाएंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ रिसर्च के ऊपर भी एक वीडियो आ जाए, आज एक बार साइकोलॉजी के ऊपर आ जाए भाई, मेरी शाम तक हर हाल में कोशिश है आज साइकोलॉजी का वीडियो आ जाए, फिर टेस्ट एंड मेजरमेंट बच जाएगी। और एक और मैं ईमानदार से बात बताऊँ, मैं मैथ की क्लास की और एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ की क्लास भी आपके लिए लेके आ जाऊँ, क्योंकि मैंने एक दिन मैथ के फार्मूले आपको बताए थे, जो मैंने पढ़ के मैथ को सीखा, जिन फार्मूला को याद करके, वो मैथ के फार्मूले मैं कोशिश करूँगा कल शाम की क्लास में आपको दे दूँ, एक बार फिर से रिवाइज करवा के विद प्रैक्टिकल, कि वो फार्मूले लागू कहाँ होंगे, क्योंकि अगर वो आपने फार्मूले याद कर लिए तो मैथ में 10 नंबर आपके आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आने हैं 10। तो मैं उन फार्मूलाज को भी प्रैक्टिकल करवाने की कोशिश करूंगा कल शाम को। देखो मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि मैं भी भूल चुका हूँ मैथ को, लेकिन आपको मैं वहाँ पे जो है क्वेश्चन उपलब्ध कराऊंगा, उसके बाद मैं फार्मूला को फिट करके दिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे आपको करना, तो इजीली आप सीख पाओगे 10 नंबर का काम, इतना मैं आपके लिए करने वाला हूँ भाई, और जान नहीं दे सकता मैं आपके लिए, कहीं ये सोचो कि सर जान भी दे देंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकली जोन्स टेस्ट इज ए फिटनेस टेस्ट फॉर, रिकली और जोन्स टेस्ट जो है वो किसकी फिटनेस को जांचने के लिए यूज किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपको बता देता हूँ मैं बिना देरी किए, सीनियर सिटीजन का भाई, सीनियर सिटीजन की जो फिटनेस है उसको जांचने के लिए क्या यूज किया जाता है, सीनियर रिकली और जोन्स टेस्ट।
इसके बाद डिस्टेंस इज ए क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए क्वांटिटी, डिस्टेंस किस प्रकार की क्वांटिटी ही आपको बताना है पांच नंबर क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ सेल हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, सेल का कौन सा पार्ट जो श्वसन में मदद करता है, छः नंबर क्वेश्चन, कौन सा पार्ट करता है भाई, वही पार्ट जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है उस पार्ट को, वही होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को हैंडल करता है, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया इज राइट आंसर, माइटोकांड्रिया इज राइट आंसर। और कोई भाई किसी क्वेश्चन का मैं आंसर गलत बता दूं, वाई फॉल्ट, क्योंकि एक आदमी जब पढ़ता तो गलतियां हो जाती हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि नेक्स्ट पार्ट में उसको ठीक करें, और नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें क्योंकि करेक्शन यहाँ पर करवाई जाती है हमेशा, तो नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखा करो भाई, क्योंकि गलतियाँ हो सकती हैं। देखो आप कोई भी बुक उठाओगे उसमें बहुत सारी गलतियाँ मिलेंगी। एक रिक्वेस्ट और मेरे पास आ रही है कि जो एक के उपल जी की बुक है अपनी, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी गलतियां उसके अंदर है ना, एक के ऊपर बहुत सारी गलतियां, ये बात आ रही है, तो मैं उन गलतियों को भी ठीक करवाने की कोशिश करूंगा जल्द एक वीडियो के द्वारा, ठीक है, जिस क्वेश्चन में भी फॉल्ट है। इसके बाद मसल दैट असिस्ट एगोनिस्ट टू परफॉर्म ए मूवमेंट इज कॉल्ड, मैंने बताया था ना तीन प्रकार की, जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हो तो तीन प्रकार की मसल काम करती हैं, एक एगोनिस्ट, दूसरी एंटागोनिस्ट, तीसरी स्टेबलाइजिंग का काम करती है, स्टेबलाइजिंग का, ठीक है, ये मसल जो है काम करती हैं जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो। तो अब पूछा है कि एगोनिस्ट मसल जब काम करे तो उसको असिस्ट कौन करता है उस काम के लिए, तो उसको असिस्ट कौन करता है वो आपको बताना है, राइट आंसर आपको यहाँ पे चूज करना है, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा वो आपको बताना, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सिनर्जिस्ट, सिनर्जिस्ट। ये जो मसल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मसल काम कैसे करती हैं, देखो हेल्प स्टेबलाइजर मसल भी क्या करती है, जॉइंट्स को स्टेबलाइज करती है ताकि वो उखड़ ना जाए, ठीक है, सिस्टम को। लेकिन सिनर्जिस्ट मसल क्या करती है, जैसे एगोनिस्ट मसल मूवमेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो सेम जॉइंट के ऊपर सिनर्जिस्ट मसल भी होती हैं उसके साथ, जो हल्का फुल्का कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, अच्छा लग रहा है तो। इसके बाद आठ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, न्यूरॉन्स आर टाइड ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड, जो न्यूरॉन्स होते हैं एक विशेष कनेक्टिव ऊतक के साथ बंधे होते हैं जिन्हें बोला जाता है, ये आपको बताना है, तो उन्हें क्या बोला जाता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए माइलिन शीथ, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी न्यूरोगिलिया, ऑप्शन डी डेंड्राइट्स। तो किससे बंधे होते हैं ये, ऑप्शन सी न्यूरोगिलिया, न्यूरोगिलिया बोल सकते हो आप इसको, जो भी आपकी प्रोनंसिएशन हो उस लैंग्वेज में आप जो भी बोलो इसको, और न्यूरो जो है आपकी कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन्स किस चीज़ की होती है, नेफ्रॉन, ये आपको बताना है वीडियो के कमेंट में, ये किसी ना किसी चीज़ की कार्यात्मक इकाई होती है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, क्वेश्चन देखते ही मैं बता सकता हूँ, तो तंत्रिका तंत्र की होती है शायद ये नेफ्रॉन कार्यात्मक इकाई होता है ऐसा कुछ, तो आपको मेरे को बताओ कि न्यूरॉन से संबंधित कौन सा क्वेश्चन बनता है वो कमेंट बॉक्स में बताओ किस किस को पता है। इसके बाद नौ नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, रेक्टस एब्डोमिन मसल्स आर रोटेटिंग ड्यूरिंग, रेक्टस एब्डोमिन मसल जो हमारी पेट की मसल है, रेक्टस एब्डोमिन, फॉर एग्जाम्पल ये कोई आदमी है आप देखोगे, और यहाँ मैं आदमी बनाऊँ तो इसकी जो पेट की मसल हैं, ये भाई थोड़ा सा आदमी गलत बन गया, इसको थोड़ा सा एक बार ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये कहोगे कि कैसी पेंटिंग कर दी है, नहीं तो आप ये कहोगे कि कैसी पेंटिंग कर दी है, क्या कहोगे, कैसी पेंटिंग कर दी, तो पेंटिंग अच्छी कर लेते हैं। तो रेक्टस एब्डोमिन मसल क्या होती है, दरअसल हमारे पेट की मसल होती है, मैं डायरेक्टली बताऊँ आपको, जो पेट के सामने का जो हिस्सा होता है इसमें दिखते ना वो सिक्स पैक, वो आपकी रेक्टस एब्स बोलते हैं ना, एब्स सिक्स पैक को एब्स, तो एब्डोमिन मसल को ही एब्स बोलते हैं भाई, ठीक है, शॉर्टकट में। तो रेक्टस एब्डोमिन मसल पूछा है किस एक्टिविटी के दौरान रोटेट करती है, तो किस एक्टिविटी के दौरान रोटेट करती है ये आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा न्योली भाई, न्योली एक एक्टिविटी है जिसमें न्योल, यहाँ पे आई टाइपिंग मिस्टेक है शायद, न्योली एक एक्टिविटी जिसमें रोटेट करती, रामदेव लाता ना पेट को गोल गोल घुमाता है वो वाली, ठीक है। इसके बाद हम बढ़े नेक्स्ट,
हाँ, नेक्स्ट है आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द वेट ऑफ डिस्कस वोमेन डिस्कस थ्रो इवेंट। डिस्कस का वेट पूछा है, वोमेन कैटेगरी में कितना होता है डिस्कस थ्रो का वेट। तो 10 नंबर क्वेश्चन में ज़्यादा समय लेने का टाइम नहीं है। 1 kg होता है वोमेन के लिए, 1 kg होता है वोमेन के लिए। और मैं बात करूँ मेंज कैटेगरी की तो कितना होगा, 2 kg। मेंज कैटेगरी का मैं कितना होगा, 2 kg। इसके बाद बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई, कल मैंने शायद पूछा भी होगा आपसे, कल या परसों के वीडियो में, 28 मीटर। भाई बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, 28 मीटर। और चौड़ाई मैंने बताई थी परसों वाले वीडियो में, वो कमेंट बॉक्स में आप एक बार फिर से बता दो। इसके बाद इन विच ईयर डेविस कप वॉज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। डेविस कप पहली बार कब आयोजित हुआ था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से राइट आंसर को चूज करना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ राइट, 1900 में। भाई पहली बार डेविस कप कब आयोजित किया गया था, 1900 में। इसके बाद लिगामेंट कनेक्ट, लिगामेंट किसको जोड़ता है ये आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लिगामेंट किसको जोड़ता है, तो यहाँ पे ज़्यादा समय लेने का क्वेश्चन है नहीं। बोन टू बोन, भाई बोन टू बोन, बोन टू बोन। और मसल को बोन से कौन जोड़ता है, टेंडन। मसल को बोन से कौन जोड़ता है, टेंडन। कौन जोड़ता है, टेंडन, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग ए टू ए हेल्दी और गुड वे ऑफ लाइफ आफ्टर एन इंजरी इज कॉल्ड। मतलब चोट के बाद जो प्रक्रिया होती है वापस से हेल्दी लाइफस्टाइल में लौटने की, वो क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम ओरिएंटेड भी हो सकता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन दिए गए हैं रिकवरी कहलाएगी, ऑप्शन बी है रिक्रिएशन, ऑप्शन सी है रिहेबिलेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो चोट लगने के बाद वापिस, चोट लगने से पहले जैसी स्थिति थी उसी स्थिति में लौटने को दरअसल क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में नहीं अभी, हाँ कमेंट बॉक्स में अभी जवाब देना है, उसके बाद मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भाई रिहेबिलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्वास, पुनर्वास। रिहेबिलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है वापस पुनः उसी चोट लगने से पहले की स्थिति में वापस जाना। इसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन ऑफ स्टंप एंड लेग स्टंप इन क्रिकेट। जो क्रिकेट के पिच के ऊपर स्टंप्स लगाए जाते हैं, ऑफ स्टंप हो गया, मिड, 3 विकेट लगे होते हैं ना, तो ऑफ स्टंप और लेग स्टंप के जैसे इस प्रकार से होते हैं भाई। 3, ये लाइनिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा भाई एडवांस में ही, और सीधा कर लेते हैं। चलो मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं है भाई अपनी, टाइपिंग कर रहा हूँ मैं, सॉरी, ये पेंटिंग। तो 3 स्टंप होते हैं, ये होता है ऑफ स्टंप, ऑफ लेग, और ये मिड। ऑफ और लेग के बीच का अंतर पूछा, मतलब विकेट की चौड़ाई कितनी होती है यार ये पूछा, इसमें कोई वो नहीं है ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात। तो 9 इंच होती है, 9 इंच, ठीक है, समझ गई इतनी सी बात। इसके बाद हाई जंप की आपको प्रक्रिया बतानी उचित कि हाई जंप करते समय किस प्रकार की प्रोसेस अपनाई जाती है हाई जंप में। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो है डिसऑर्डर दिया गया है भाई पूरी सीक्वेंस का, आपको एक ऑर्डर में बताना है कि पूरी प्रोसेस कैसे होती है। तो देखो भाई सबसे पहले क्या होगा, आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर दे दीजिए, मैं वैसे बताता चलता हूँ आपको। सबसे पहले अप्रोच पर आप भागोगे, उसके बाद क्या करोगे, टेक ऑफ, जमीन से ऊपर उड़ोगे, फिर क्लियरेंस द बार, फिर लैंड कर जाओगे, ये पूरी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले 2, यहाँ पे है 2। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एक तरीका होता है। देखो पहला स्टेप हमें पता है अप्रोच, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, मतलब ये 2 ऑप्शन आपके डिलीट हो गए क्योंकि इनमें प्रोसेस ही गलत है। दूसरा टेक ऑफ, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, फिर है क्लियरेंस द बार, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। वो बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखोगे कि पहले 2 ऑप्शन में आंसर क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार से देखते हुए चला करो भाई। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्सन इज इमोशनली वीक बट बॉडीली स्ट्रांग। ये 4 बॉडी टाइप दिए गए, तो इसमें से पूछा इमोशनली रूप से वीक कौन होता है, और भावनात्मक रूप से कमजोर कौन होता, और स्ट्रॉन्ग बॉडी रूप से स्ट्रॉन्ग कौन होता। तो कौन से प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोलेरिक टाइप व्यक्ति जो है इमोशनल रूप से वीक मिलेंगे, लेकिन वैसे स्ट्रॉन्ग मिलेंगे बॉडी रूप से आपको, ठीक है।
इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एबीसी थ्योरी वॉज गिवन बाई, एबीसी थ्योरी किसके द्वारा दी गई, एबीसी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथर एंड स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड मैथर एंड स्विट्जरलैंड के द्वारा दिया गया था भाई, ये आप याद कर लेना, नाम अटपटा नाम है थोड़ा सा। नेक्स्ट है, अब वैसे है ना ये अटपटे नाम है, जैसे यहाँ पे कितना अच्छा होता ना देसी नाम होते अपने रामफल, यहाँ पे कितना इजीली याद हो जाता ना रामफल होता, या फिर यहाँ पे बर्थू होता, बर्थू, ये मतलब अपने वाले ने कोई खोज नहीं की यार, ये खास करके हरियाणा में बड़े फेमस हैं भाई, मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ मैं, खोज की भी होगी तो ऊपर लेवल में नहीं गई होगी, लेकिन ये जो सारे खोजर हैं ना, ये जो भी सिद्धांत विदांत, ये अटपटे नाम है, जैसे थॉर्नडाइक है, स्किनर, अपने वाले होते रामपाल, बतेरी, रामफल, ये तो बड़ा ईजिली होता सब कुछ, है ना, थोड़े से अटपटे हैं ये नाम। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फुटबॉल आफ्टर शोइंग विच कार्ड ए प्लेयर हैव इमीडिएटली लेफ्ट द प्ले फील्ड फॉर होल रिमेनिंग मैच, भाई फुटबॉल में पूछा है वो कौन सा कार्ड है जिसको किसी प्लेयर को अगर दिखा दिया जाए तो वो इमीडिएटली मैच से बाहर हो जाता है बचे हुए मैच, पूरे मैच के लिए, तो वो आपको बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर दरअसल चूज करना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है ब्लैक कार्ड, ऑप्शन बी है येलो कार्ड, ऑप्शन सी है ग्रीन कार्ड, ऑप्शन डी है रेड कार्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रेड कार्ड, रेड कार्ड दिखाया जाता है भाई, तो प्लेयर जो है रिमेनिंग मैच से बाहर हो जाता है बचे हुए मैच से तात्कालिक रूप से, ठीक है। इसके बाद चोप इज रिलेटेड टू, चोप किससे संबंधित है भाई, चोप खालिस्तान से संबंधित है, चोप से संबंधित है, तो यहाँ पे बताना आपको चोप किससे संबंधित है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपको बताना टेबल टेनिस से भाई, चोप हो जाती है बॉल, टेबल टेनिस याद कर लें, एग्जाम ओरिएंटेड है ये। इसके बाद इन्वर्टेड यू थ्योरी डिस्क्राइब टू ऑब्जर्व रिलेशनशिप बिटवीन, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस थ्योरी भी इसको बोल सकते हैं आप, तो ये किसके बीच रिलेशन को ऑब्जर्व करती है, किस किसके बीच, तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है। तो ये किसके बीच करती है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आप चूज कर लीजिए, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी। तो मैं बता देता हूँ ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, अराउजल एंड परफॉर्मेंस को जो है ये स्टडी करता है इन दोनों के बीच, मतलब कोई प्लेयर के अंदर कितनी अराउजल होगी, वो कैसी परफॉर्मेंस देता है ये। इसके बाद है ADHD स्टैंड फॉर, ADHD साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, आज क्लास आएगी उसमें बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। ADHD दरअसल होता क्या है, चार प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं जो आपको 12th की बुक में भी मिल जाएंगे, ये 12th की बुक आपने पढ़ाई होगी ना किसी बच्चे को, या आपने किसी स्कूल में जॉब की हो तो वहाँ पे पढ़े होंगे ADHD SDSD इस प्रकार के नाम है। आज की वीडियो में क्लियर कर लेंगे साइकोलॉजी वाले में, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ADHD का क्या मतलब है, 22 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटेंशन डिफिशियट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, फुल फॉर्म ही आती है लगभग इसकी भाई। इसके बाद नेशनल गेम ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का नेशनल गेम कौन सा है भाई, श्रीलंका का नेशनल गेम कौन सा है, 23 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपको चूज करना है, ऑप्शन सी भी वॉलीबॉल श्रीलंका का नेशनल गेम है। इंडिया का मैं आपसे पूछूँ तो हॉकी, अगर डॉक्यूमेंट में पूछूँ तो कोई नहीं है, पाकिस्तान का मैं पूछूँ तो हॉकी, अमेरिका का बेसबॉल, इसी प्रकार से चाइना का क्या है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो भाई। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, विच लेन इज गिवन द बेस्ट स्विमर एंड स्प्रिंटर इन द स्विमिंग एंड एथलेटिक्स रिस्पेक्टिवली, मतलब भाई इज्जत के तौर पे स्विमिंग के और जो एथलेटिक्स के इवेंट होते हैं, गेम्स होते हैं, चैंपियनशिप्स होती हैं, उनमें बेस्ट जो एथलीट होता है उसको कौन सी लेन दी जाती है। ट्रैक पे 8 लेन होती है ना, आपको पता है आजकल 9 भी हो जाती हैं, 9+1=10 भी कर देते हैं, ठीक है, तो उन 8 लेन में से कौन सी लेन जो है बेस्ट प्लेयर के लिए छोड़ दी जाती है, कि बेस्ट प्लेयर पूरों का चैंपियन उसको दी जाती है। तो 24 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड भाई। इसके बाद फ्लिक इज यूज्ड इन, फ्लिक किस में यूज होता है, फ्लिक आपको बताना है, फ्लिक फ्लिक किस में यूज होता है, दरअसल फ्लिक होता है भाई फील्ड हॉकी में यूज, फ्लिक किया बोलते हैं ना, फ्लिक किया बॉल को, तो फील्ड हॉकी में यूज होता है फ्लिक। इसके बाद है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फैट, फैट का कॉमन रूप, ऐसा मान नहीं भाई ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सामान्य रूप पूछा है फैट का, तो वो आपको बताना है फैट का सामान्य रूप। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए भाई, ट्राई ग्लिसराइड, ऑप्शन ए भाई।
इसके बाद स्लाइडिंग टेकल इज रिलेटेड टू, स्लाइडिंग टेकल किससे संबंधित है, गेम्स की टर्मिनोलॉजी आज बहुत आ रही है भाई। स्लाइडिंग टेकल ऑप्शन ए है बास्केटबॉल, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी कबड्डी। तो स्लाइडिंग टेकल किससे संबंधित है भाई, स्लाइडिंग टेकल किससे संबंधित है, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ, ये है फुटबॉल से संबंधित। किससे संबंधित है, फुटबॉल से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एबिलिटी टू यूज द सेंस एंड द बॉडी पार्ट्स टू परफॉर्म टास्क स्मूथली इफिशेंटली एंड एक्यूरेटली इज कॉल्ड। मतलब भाई अपने आप सेंस ऑर्गन्स को यूज कर रहे हो, बॉडी पार्ट को यूज करके किसी टास्क को आप स्मूथली इफिशेंटली एंड एक्यूरेटली कर देते हो तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, इसका राइट आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है बैलेंस, ऑप्शन बी है एजिलिटी, ऑप्शन डी एक्यूरेसी, ऑप्शन सी है एक्यूरेसी, ऑप्शन डी कोऑर्डिनेशन। तो ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन। जब बॉडी के विभिन्न पार्ट को मिला के कोई परफॉर्म टास्क परफॉर्म करते हो ना आप, तो वो कोऑर्डिनेशन ही होता है, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज द मीडियन इन स्कोर ऑफ फाइव स्टूडेंट। फाइव स्टूडेंट का स्कोर दिया गया है और मीडियन आपसे पूछा है, तो मीडियन निकालने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे, वो मैं इसी वीडियो में अभी आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे अभी आप देखोगे ये थोड़ा सा भाई यहाँ पे मिस्टेक है, जैसे एक दिया गया है, आठ दिया गया है, जीरो दिया गया है, पाँच दिया गया है, चार दिया गया है। मीडियन निकालने के लिए इन्हें क्या किया जाता है, चढ़ते हुए क्रम में लगाया जाता है, जैसे पहले छोटी संख्या फिर बड़ी, ऐसे दो जीरो, फिर इसमें सबसे छोटी क्या बच गई, एक, फिर चार, फिर पाँच, फिर आठ, ऐसे ऐसे किया जाता है मीडियन निकालने के लिए, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए ये पूरी जो संख्या है, नंबर ऑफ जितने भी यहाँ पे दिया गया डाटा, उसके बीच का पॉइंट लिया जाता है। जैसे पाँच है यहाँ पे, तो पाँच दिया गया तो क्या करेंगे, बीच वाला ले लेंगे, दो इधर छोड़ देंगे, दो इधर, चार, मीडियन आ जाएगा चार। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, एन प्लस वन अपॉन टू, एन का मतलब नंबर ऑफ डाटा आपके पास कितना है, तो यहाँ पे कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच प्लस एक बटा दो, ये छः हो जाएगा तीन। तो तीसरी संख्या यहाँ पे क्या आ रही, सीक्वेंस में लगाने के बाद चार। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे संख्या होती, अभी तो पाँच हैं, जैसे सम संख्या हो जाती, छः हो जाती, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः, छः होगी तो दो ही साइड छोड़ेंगे, दो ही साइड छोड़ेंगे, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के इसको दो से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा आपका मीडियन, ठीक है। इस प्रकार से निकाला जाता है मीडियन। इतनी बात पर अगर आपको समझ आ गई तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद कोबरा पोज पूछा है भाई, कोबरा पोज दरअसल किससे संबंधित है, कोबरा पोज, कोबरा पोज, तो आपको मीडियन का फार्मूला पता चल गया ना, एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, बस इतनी सी बात है। और मीन, मीन का क्या होता है, नंबर ऑफ जितनी भी संख्या उनको जोड़ दो, और उनको जितनी संख्या, जैसे ये तो हमने मीडियन निकाला, अब मीन निकालना आ जाए, एवरेज निकालना पूछ ले आपसे भाई, आपको दे दी गई संख्या, तीन संख्या दे दी, चार आठ बारह, ठीक है, इन सभी को जोड़ोगे, टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपके पास संख्या उन सभी को जोड़ो, तो कितना हो गया, चौबीस, और टोटल नंबर ऑफ जितनी संख्या उससे भाग दे दो, तो इनकी एवरेज क्या आ जाएगी, आठ आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से निकालते हैं। और मोड, मोड निकालने का फार्मूला क्या होता है, मोड निकालने का नंबर ऑफ, मतलब कोई संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है, जैसे कोई डाटा दे दिया, एक चार आठ चार पाँच तीन दो चार, सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, चार, तो ये चार हो जाएगा मोड, बस ये फार्मूलाज होते हैं। तो अब पूछा आपसे, बाकी रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक की क्लास में और ज़्यादा मैं क्लियर समझा पाऊँगा आपको ये बात, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं जो डायरेक्टली एग्ज़ाम में आती हैं, वो हम करेंगे रिसर्च की क्लास में, कोशिश करूँगा मैं रिसर्च का एक लेक्चर अगर बन पाए तो। कोबरा पोज किससे संबंधित है, दरअसल ये बताना आपको, तो कोबरा पोज किससे संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा भुजंगासन, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हु हैड गिवन द ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी दरअसल किसने दी, ये आपको बताना है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर, ऑप्शन बी भाई, मैक्स वेबर ने दी थी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, पिरामिड टाइप इज ए टाइप ऑफ, पिरामिड किस प्रकार, एक प्रकार का है, पिरामिड किस प्रकार का टूर्नामेंट है, ये आपको बताना है 32 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, चैलेंज टूर्नामेंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, चैलेंज टूर्नामेंट को भी पिरामिड टूर्नामेंट जो है बोला जाता है।
इसके बाद है पैराबोला इज ए पाथ। पैराबोला क्या है? पैराबोला एक रास्ता है। किसका, किस प्रकार का रास्ता है? लीनियर है, क्रव्ड है, अनडिफाइंड है, जिगजैग है, किस प्रकार का है भाई पैराबोला? तो पैराबोला जो है किस प्रकार का रास्ता है, वेरी इजी क्वेश्चन। और अगर आपको ट्राजेक्ट्री अगर आपने समझी है ना, प्रोजेक्टाइल सॉरी, तो बड़ा इजीली आप इसको समझ सकते हो कि प्रोजेक्टाइल दरअसल होता क्या है, उसके सिद्धांत कैसे होते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? कोई भी चीज़ हवा में हो, जो भी चीज़ एयर में होगी ना वो प्रोजेक्टाइल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊँ तो इसका आंसर आप मैच कर पाओगे। प्रोजेक्टाइल कोई भी चीज़ हवा में है तो वो क्या कहलाएगी? प्रोजेक्टाइल। हवा के अंदर जो दूरी उसने तय की, फॉर एग्जांपल आपने बॉल फेंकी हवा में, उड़ी वो और इधर जाके ज़मीन पे पड़ी, इधर यहाँ से फेंकी, तो इस दौरान इसने जो ये तय किया ना एयर के अंदर जो रास्ता, ये होता है पैराबोला। अब ये पूछा कि पैराबोला दरअसल किस प्रकार का पाथ है, किस प्रकार का पाथ है? यहाँ से आपने कुछ फेंकी तो यहाँ पे क्या बना? करव। तो करव्ड आकार का ये पाथ होता है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद स्लाइटली मूवेबल जॉइंट आर ऑल्सो नोन एज, जो स्लाइटली मूवेबल जो जॉइंट होते हैं उनका नाम पूछा है दूसरा, किस क्या नाम उनका दूसरा वो बताना है भाई। 34 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन, ऑप्शन क्या हो जाएगा 34 में आपका राइट आंसर यहाँ पे? ऑप्शन बी, एम्फीथ्रोसिस जॉइंट। एम्फीथ्रोसिस जॉइंट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। अगर मैं पूछूँ इमोएबल, यहाँ पे आई लगा के, तो साइनथ्रोसिस जॉइंट, और फियरली मूवेबल डायथ्रोसिस हो गया साइनवेल, ये फियरली मूवेबल जॉइंट होते हैं, फ्री जो घूमते हैं वो। नेक्स्ट है विच डिजीज इज कास्ड बाई एच आई वी, एच आई वी से कौन सी डिजीज हो सकती है ये आपको बताना है। कौन सी डिजीज हो सकती है एच आई वी से? एड्स हो सकती है। एक बात इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना भाई, पक्की डीएसएसबी के पेपर में आने की संभावना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बाद स्टडी ऑफ नर्वस सेल इज कॉल्ड, नर्वस सेल की स्टडी क्या कहलाती है? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या बोलेंगे भाई? 36 में आप मेरे को राइट आंसर बता दो। न्यूरोलॉजी, ऑप्शन डी, न्यूरोलॉजी बोला जाता है भाई, न्यूरोलॉजी। ठीक है, इतनी बात अब आपको याद होगी तो हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का दरअसल फंक्शन क्या है वो पूछा है। ऑप्शन ए दिया गया है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी ब्लड क्लोटिंग, ऑप्शन सी बिल्ड बॉन्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो 37 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम का काम क्या है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करेगा, बिल्ड बॉन्स में भी हेल्प करेगा, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई। इन सभी में हेल्प करता है कौन? कैल्शियम। इसके बाद है इम्फीसीमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इम्फीसीमा की विशेषता है, इम्फीसीमा की क्या विशेषता है ये आपसे पूछा है। तो 38 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपकी सांस छोटी हो रही हो तो उसको क्या बोलोगे? इम्फीसीमा। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू हुम, डेफिनेशन दी गई है, फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ होल फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल एक्टिविटी एंड दियर रिलेटेड रिस्पॉन्स। किसने कहा भाई ये बात कि फिजिकल एक्टिविटी जो है एक एजुकेशन का ही पार्ट है, जिसके अंदर जो बड़ी जो मसल्स से संबंधित एक्टिविटीज होती हैं वो शामिल होती है और उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स शामिल होते हैं। तो ये डेफिनेशन पूछिए, आप अगर कहेंगे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जाम ओरिएंटेड उनके ऊपर भी एक वीडियो लेके आए तो आप कमेंट करें, उनके ऊपर भी वीडियो ले आएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जे बी नेस ने की है भाई ये बात, बी और बिग, इस प्रकार से कोरिलेट कर लिया करो भाई, बी और बिग इस प्रकार से क्या कर लिया करो, को इस प्रकार से क्या कर लिया करो, कोरिलेट कर लिया करो बातों को। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है 40 नंबर, उसके ऊपर। तो हमारा जो 40 नंबर क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, 40 नंबर क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट मसल या टेलर मसल मैं आपसे पूछूं तो कौन सी होगी? चार ऑप्शन दिए गए, तो सार्टोरियस, सार्टोरियस, सार्टोरियस मसल, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी मसल। इसके बाद हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक, मेडिकल जिम्नास्टिक के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं ये आपको बताना है, मेडिकल जिम्नास्टिक के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं ये आपको बताना है। तो 41 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन ए हिप्पोक्रेटस। इसके बाद स्पोर्ट्स अवार्ड आर गिवन एवरी ईयर ऑन,
स्पोर्ट्स अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, कब दिए जाते हैं भाई हर साल स्पोर्ट्स अवार्ड? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 29 अगस्त। क्या है 29 अगस्त को? मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन। इसके बाद है फर्स्ट विंटर ओलंपिक हेल्ड इन, पहले विंटर ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे और किस ईयर में आयोजित हुए थे? ये हुए थे भाई 1924 में आयोजित, 1924 में। कहाँ पे आयोजित हुए ये आपको बताना है, कहाँ पे आयोजित हुए ये आपको बताना है। तो कहाँ पे आयोजित हुए, 43 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा, 43 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामोनिक्स। सामोनिक्स ये फ्रांस में है भाई, फ्रांस में, फ्रांस में, ठीक है। 1924 में आयोजित हुए थे पहले विंटर ओलंपिक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं डेट एग्जैक्ट कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच आयोजित हुए थे, वो क्या होगी आपकी 25 जनवरी से और 5 फरवरी तक 1924 में भाई, ठीक है। ये बात आपको याद रह जाएंगी, अगर ये बात आपको याद रह जाएंगी तो दैट्स गुड। इस प्रकार नेक्स्ट है, किस प्रकार की इंजरी में टिश्यू हड्डी से पूरी तरह से दूर हो जाता है? किस प्रकार की इंजरी में जो है टिश्यू हड्डी से पूरी तरह से दूर हो जाता है? 44। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एवल्यूजन। एवल्यूजन जो इंजरी होती है उसमें जो है उत्तक हड्डी से पूरी तरह से दूर हो जाता है, या फ्रैक्चर भी आप इसको बोल सकते हो एक प्रकार का। इसके बाद हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ईच आर्म ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की के प्रत्येक हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं भाई, कितनी हड्डियाँ होती हैं प्रत्येक हाथ में, आपको ये बताना है। 45 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन सी भाई 30, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, वॉलीबॉल की प्रीति पूछी है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है वॉलीबॉल का, वो आपको बताना है। तो राइट आंसर चूज कर लीजिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन बी 68 से 70 सेंटीमीटर। इसके बाद है प्रोसेस ऑफ एवेल्युएटिंग द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स द फैक्टर फॉर विच इट वॉज डिजाइंड इज कॉल्ड, स्टेटिस्टिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, मतलब आपने जिसके लिए टेस्ट बनाया वो उसी चीज़ को मेजर कर रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे? तो 47 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपको बताना है वैलिडिटी, वैलिडिटी, इसको क्या बोलोगे, वैलिडिटी, वैलिडिटी, ठीक है, वैलिडिएट हो जाएगा ये टेस्ट, मतलब अगर उसी चीज़ को नाप रहा है, अगर बार बार स्कोर सेम आ रहा है तो क्या कहलाए, क्या कहलाएगा, रिलायबल, रिलायबल मतलब कहीं पे भी आप कर रहे हो तो स्कोर सेम आ रहा है तो क्या कहलाएगा, रिलायबल मतलब फ्लक्चुएट नहीं हो रहा स्कोर उसका। इसके बाद है विनर इन एनिशेंट ओलंपिक्स वर गिवन ब्रांच ऑफ विच ट्रीज एज प्राइज, मतलब पूछा भाई किस प्राचीन ओलंपिक में जो विनर्स होते थे उन्हें किस, उन्हें जो है किस पेड़ की टहनियां जो है दी जाती थी इनाम के तौर पे, तो किस पेड़ की टहनियां दी जाती थी, 48 में राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओलिव, ओलिव यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ओलिव, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है उसके ऊपर, 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 49 नंबर, इन विच ओलंपिक्स देयर वर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी, कौन से ओलंपिक में जो है ना ही तो उद्घाटन समारोह हुआ ना ही क्लोजिंग समारोह हुआ, तो वो कौन से ओलंपिक थे, 49 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना। तो ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी 1900 के जो पेरिस ओलंपिक थे वहाँ पर ना ही उद्घाटन समारोह हुआ और ना ही क्लोजिंग सेरेमनी हुई। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है, इन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑल चेस्ट मेजरमेंट शुड बी टेकन एट द, मतलब सिद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से सभी का छाती माप लिया जाता, कब लिया जाता है, कब लिया जाता है, आपने भर्तियां देखी होंगी सिपाही की, कॉन्स्टेबल वगैरह की, तो वहां पे आपकी चेस्ट जो मेजरमेंट की जाती है कब की जाती है, कब की जाती है, एंड ऑफ नॉर्मल एक्सप्रेशन, मतलब आपने सांस बाहर निकाल दिया ना उसके बाद आपकी चेस्ट ली जाती है और फिर आपसे जो है चेस्ट एक्सपेंड करवाई जाती है, ये कह के कि आप फुलाइए इसको, कितना आपके लंग्स की कैपेसिटी है, ठीक है। तो एंड ऑफ नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं जांची जाती हैं। तो आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, कितने 50 क्वेश्चंस, आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर करें,
और दूसरे साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। एक बात और, जल्द ही एक वीडियो हमारी जो ओलंपिक हो रहे हैं 2021 में टोक्यो में शुरू, उनके ऊपर आने वाली है, जो उससे संबंधित क्वेश्चन इन ओलंपिक्स के शुरू होने से पहले ही बन रहे हैं, उसके ऊपर वीडियो आने वाली है। जल्द ही कल या परसों में जैसे ही टाइम मिलेगा वो वीडियो आ जाएगी, उसको आप ज़रूर देखें, जिसके अंदर हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं ओलंपिक को लेके। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं भाई, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।